इस ट्रैक्टर में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि ये पहले ट्रैक्टर जो ना इंजन से पीछे का जो इसका हिस्सा था वो आता था ये तीन पार्ट में, लेकिन अब कंपनी ने कर दिया गया है दो पार्ट में, तो जो इसका पिछलका और बीच का हिस्सा है ना वो पूरा पूरा जो है बदल दिया गया है। दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो आप देख रहे हैं आयशर 333 फाइव स्टार सुपर प्लस है। सुपर प्लस मतलब 36 HP का पूरा आपको प्रॉपर ट्रैक्टर मिलता है RC में। तो इसका जो ना कंप्लीट रिव्यू करेंगे, क्या प्राइस है और क्या क्या ट्रैक्टर में जो खास फीचर्स वो दिए गए हैं। फ्रंट से शुरुआत करें तो लगभग 80 kg का जो इस ट्रैक्टर में आपको कंपनी फिटेड जो ना वो वेट मिलता है। और इसका फ्रंट टायर है, फ्रंट टायर मिलेगा इसमें आपको 616 का। इसमें आपको 616 सा अलग कुछ ऑप्शन नहीं होगा। जो पिछला टायर है, पिछला भी जो है इसमें आपको सिर्फ 13/6/28 का मिलेगा। जो 333 सिंपल है उसमें आप 12/4/28 का जो पिछला टायर वो ले सकते हैं। और अगर हम फ्रंट एक्सल की बात करते हैं तो इसका फ्रंट एक्सल है वो मिलता है इसमें आपको नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल मिलता है। और इसका पावर स्टीयरिंग है वो मिलता है इसमें आपको ड्यूअल एक्टिव पावर स्टीयरिंग। आयशर के जो ना कोई सा भी ट्रैक्टर ले लो, जितने भी पावर स्टीयरिंग आएगा ना उनमें सब में आपको मिलेगा ड्यूअल एक्टिव वाला पावर स्टीयरिंग। आयशर जो ना कभी भी सिंगल एक्टिव पावर स्टीयरिंग नहीं देती, क्योंकि सिंगल एक्टिव पावर स्टीयरिंग इतना अच्छा और स्मूथ नहीं चलता जितना कि ड्यूअल एक्टिव पावर स्टीयरिंग वो चलता है। और अगर इसके फ्रंट हिस्से की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं आप जो इसकी फ्रंट माउंटिंग में प्लेट है ये काफ़ी जो ना मोटी और हैवी ड्यूटी जो लगा रखी है। वहीं अगर इस ट्रैक्टर के हम एयर क्लीनर की बात करते हैं तो इसमें जो आपको ऑयल बाथ वाला 3 स्टेज का एयर क्लीनर जो वो दिया गया है। और अगर ग्राफिक्स की बात करें तो काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ में जो ट्रैक्टर आता है ये ट्रैक्टर, जैसे कि पावर स्टीयरिंग है तो पावर स्टीयरिंग की पूरी जो आपको बैजिंग मिलेगी 333 3D में जो आपको यहाँ पे वो लिखा हुआ मिलता है। अगर इस साइड बात करते हैं तो सिम्पसन कंपनी का जो इंजन आता है 2365 cc का जो इसमें आपको इंजन दिया गया है। और यहाँ पे जो आपको डुअल टैंडम पंप मिलता है, एक पंप मिलता है पावर स्टीयरिंग का और एक मिलता है हाइड्रोलिक का, एक पावर स्टीयरिंग का और एक मिलता है हाइड्रोलिक का। और इसमें देखो सेल्फ कितना छोटा है, ये सेल्फ आता है इसमें ल्यूकस का। तो आयशर जो ना ज़्यादातर कुछ मॉडलों में आते हैं स्पार्क मिंडा के, किसी में आता है ल्यूकस का और किसी में आता है ऑटोलैक का, तो सभी में जो ना अलग अलग तरह के आते हैं। और यहाँ पर जो ना लगभग 75 ampere की जो इसमें आपको बैटरी वो दी गई है। अगर हम इंजन की साइड से बात करते हैं तो यहाँ पे जो ना एक तो आपको वाटर सेपरेटर मिलता है और दो जो इसमें आपको डीजल फिल्टर दिए गए हैं। तो बोस के इसमें जो आपको फ्यूल इंजेक्शन पंप मिलता है। और आयशर के जो ना सभी मॉडलों में, जितने भी आयशर के मॉडल हैं सब में जो साइलेंसर पे जो ना एक तरफ जो जाली कवर करके देते हैं ये सेफ्टी के पर्पज़ से। तो लगभग 2365 cc का इसमें आपको नेचुरली एस्पिरेटेड 36 HP का जो इसमें आपको ट्रैक्टर मिलता है। और ये ट्रैक्टर जो ना आपको सिंगल और ड्यूअल दोनों उस क्लिच में ले सकते हैं। और लगभग 45 लीटर का जो ट्रैक्टर में आपको डीजल टैंक दिया गया है। और चढ़ने के जो ना सिंगल स्टेप मिलेगा, ये ट्रैक्टर आप साइड शिफ्ट और सेंटर शिफ्ट दोनों में जो इसका ऑप्शन आप ले सकते हैं। और अगर P2 की बात करें तो ये जो है ना आप देखो 36 HP में जो है ना आप इसको 540 में भी ले सकते हैं। और रिवर्स और मल्टी स्पीड तीन तरह का जो इसमें आपको P2 ऑप्शन मिलता है। और सबसे बड़ा बदलाव जो इस ट्रैक्टर में वो ये है, इंजन से पीछे जो ना पहले आयशर जितने भी ट्रैक्टर थे वो आते थे तीन पार्ट में, एक क्लिच हाउसिंग का आता था, एक आता था बीच का गियर बॉक्स वाला और एक आता था पिछला ये हिस्सा। तो अब कंपनी ने जो ना ये जो ना पूरा दो हिस्सों में कर दिया गया है। जो पिछला हिस्सा है वो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और फिर यहाँ से जो एक हिस्सा वो यहाँ तक आ रहा है पूरा। तो सबसे बड़ा बदलाव जो है कंपनी द्वारा यही किया गया अपने ट्रैक्टर में, अभी पीछे के जो ना दो हिस्सों में मतलब दो पार्ट में कर दिया गया है। और ये ट्रैक्टर जो ना आपको दो स्पीड में मिलेगा, लो और हाई में टोटल मिलेंगे 10 स्पीड, 8 फॉरवर्ड और 2 मिलेंगे इसमें आपको रिवर्स। और यहाँ पे जो सुपर प्लस की जो कंपनी ने बैजिंग यहाँ पे दे रखी है। तो अब जो ना मैं इस ट्रैक्टर का आपको ऊपर से ऑपरेशनल एरिया दिखाता हूँ, किस तरह का जो इसका ऑपरेशनल एरिया है, कितना कम्फर्ट है, सीट कितनी कम्फर्टेबल है और स्टीयरिंग जो है वो कितना इसमें आपको प्यारा सा वो दिया गया है। तो दोस्तों अगर ऊपर से ट्रैक्टर के ऑपरेशनल एरिया की बात करें तो देखो काफ़ी खुला डुला और क्लिच देखो क्लिच कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट जो इसकी क्लिच वो दी गई है। और इस साइड मिलता है इसमें आपको लो और हाई का गियर मिलता है। और इस साइड मिलता है मेन गियर लीवर जो रिवर्स 1 2 3 4 मतलब 8 फॉरवर्ड हैं, 2 हैं इसमें आपको रिवर्स, टोटल 10 स्पीड वाला गियर बॉक्स दिया गया है। और जो ट्रैक्टर का पावर स्टीयरिंग है वो मतलब जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश दिया गया है, छोटा सा बहुत ही अच्छा जो स्टीयरिंग लगता है, जैसे कार का आता है छोटा सा स्टीयरिंग तो उस टाइप का जो स्टीयरिंग पूरा बनाया गया है। और ऊपर से जो लुक है कुछ इस तरह का वो आता है। और यहाँ पर जो ना साइड में एक चार्जिंग बॉक्स जो दिया गया है। और P2 में जो ना इसमें आपको P2 में तीन ऑप्शन मिलते हैं, 540 भी मिलेंगे रिवर्स भी और मल्टी स्पीड भी, तीन तरह के जो इस ट्रैक्टर में P2 वो ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पूरे RPM वगैरह शो होंगे, ये आता है डीजल का, ये बैटरी का, ये टेम्परेचर का और ये आता है ऑयल प्रेशर का। और अगर हम इस साइड से बात करते हैं तो यहाँ पर जो ना तीन लीवर दिए गए हैं, एक आता है ड्राफ्ट लीवर, एक आता है पोजीशन लीवर और एक लाल लीवर और आता है, जैसे कि आज के पहले ट्रैक्टर में तीन लीवर आते थे ना तो उसी तरह के जो इसमें तीन लीवर वो दिए गए हैं। और बाकी क्लिच देखो क्लिच कितनी सॉफ्ट है, अब ये देखो मतलब हल्का सा सिर्फ पुश करना पड़ रहा है तो क्लिच जो है वो एकदम से दब जा रही है। और इस साइड भी जो है ना काफ़ी अच्छा जो ट्रैक्टर बनाया गया कंपनी द्वारा।
अगर दोस्तों इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से की बात करते हैं तो इसमें जो ना आपको जो लिफ्टिंग क्षमता है वो मिलती है इसमें आपको लगभग 1600 केजी की जो लिफ्टिंग क्षमता दी गई है, और जिसमें साइड स्टेबलाइजर है ना वो मिलते हैं इसमें आपको लोक वाले, और जो फाइनल ड्राइव है वो मिलती है इसमें आपको बुल पिनियन वाली फाइनल ड्राइव, और जिसकी लिफ्ट सेंसिंग स्लॉट है ना वो मिलते हैं इसमें आपको तीन। अगर आप टोपलिंग को नीचे लगाओगे सबसे ज़्यादा सेंसिंग होगी, बीच में लगाओगे उससे कम सेंसिंग होगी, और ऊपर लगाओगे तो सबसे कम जो सेंसिंग वो होगी, और जो फाइनल ड्राइव बुल पिनियन की आती है फाइनल ड्राइव, और यहाँ पे जो ना रिफ्लेक्टर भी देती है कंपनी, और यहाँ देते हैं पूरे के बोतल होल्डर वो दिया गया है, और इसमें जो ना जो ब्रेक हैं वो आते हैं ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक जो इस ट्रैक्टर में आते हैं, और यहाँ पे जो ना ट्रॉली को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे URC कपलर जो लगा सकते हैं सिंगल का, इसमें आपको ऑप्शन वो दिया गया है, और पिछले टाइम मिलते हैं इसमें आपको 13628 के। और एक बात और बताऊँ, आयशर में जो ना जितने ज़्यादा कलर आते हैं आप, मतलब आयशर में जो ना लगभग 4 तरह के जो ट्रैक्टर में कलर आते हैं, तो इतने ज़्यादा ऑप्शन का ट्रैक्टर जो ना आपको कहीं नहीं मिलता जितना का आयशर में मिलता है। तो अगर इस ट्रैक्टर की कीमत की बात करते हैं तो लगभग 6 लाख रुपये के आसपास जो ट्रैक्टर की कीमत है कृषि मेले हरियाणा में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो मेला चल रहा है, तो उसमें इस ट्रैक्टर की जो कीमत है वो है 6 लाख रुपये। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।